ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? मोगैम्बो के रोल के लिए कौन था पहली पसंद? अमित जी और राजेश खन्ना ने क्यों ठुकरा दिया था मिस्टर इंडिया का रोल? कैसे मिला दुनिया को उसका मिस्टर इंडिया? मिस्टर इंडिया फिल्म को रिलीज हुए 34 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और 34 साल का वक्त समझते हैं ना, ये बहुत लंबा टाइम है। इतने टाइम में एक पूरी जनरेशन पैदा होकर बाल बच्चे वाली हो जाती है। 34 सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अनिल कपूर। वो अब भी उतने ही जवान हैं जितने तब थे। 40-50 की एज वालों का नॉस्टैल्जिया इस फिल्म से जुड़ा है, और जिसने एक भी बार ये फिल्म देखी है उसके दिमाग में ये फिल्म के कैरेक्टर्स चिपक के रह गए हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हम सिर्फ दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोगैम्बो की। जी हाँ, मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग इतना पॉपुलर है कि लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है। आधा रसगुल्ला ज्यादा मिल जाए तो लोगों को लगता है कि मोगैम्बो खुश हो चुका है। डायरेक्टर शेखर कपूर मोगैम्बो के रोल में अनुपम खेर को लेना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, इसलिए अनुपम खेर के साथ बात किए बिना ही खत्म हो गई। फिर जहन में नाम आया अमरीश पुरी का, लेकिन शेखर कपूर को लगा कि अमरीश पुरी मना कर देंगे। फिर प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा कि हटो, हम बात करते हैं, उन्होंने कहा, और मोगैम्बो खुश हो गया। ऐसे मिला इंडिया को सबसे बड़ा खलनायक। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर इंडिया की। मोगैम्बो की तरह मिस्टर इंडिया के लिए भी फर्स्ट चॉइस अनिल कपूर नहीं थे। सलीम जावेद ने इसकी स्टोरी अमिताभ बच्चन को दिमाग में भरकर लिखी थी। बच्चन जी ने कहा कि इसमें हीरो तो आधे से ज्यादा टाइम गायब रहता है, जब हम दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे, इतना कहकर उन्होंने मना कर दिया। राजेश खन्ना से बात हुई तो सेम जवाब आया। फिर नाम आया अनिल कपूर का, और अनिल कपूर उस जमाने के अक्षय कुमार थे, हर पिक्चर साइन करते थे, तो इसको भी कर लिया और बन गए मिस्टर इंडिया। उन्होंने ना ये सोचा कि दिखूंगा या नहीं, बस फिल्म मिली तो कर। अब इन दोनों किरदारों के अलावा भी फिल्म में काफी और किरदार शामिल हैं, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा, बस हमारी अगली वीडियो तक। नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी बात करेंगे मिस्टर इंडिया के दूसरे पार्ट की, जिसमें हमें मिस्टर इंडिया के किरदार में एक बार फिर मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द अर्थ अनिल कपूर ही नजर आने वाले हैं। लेकिन मोगैम्बो अब की बार खुश नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो काम अनुपम खेर इसके पहले पार्ट में नहीं कर पाए, वो अब दूसरे पार्ट में करेंगे। जी हाँ, मोगैम्बो के रोल में अनुपम खेर को फाइनल कर दिया गया है। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं एक बार फिर इन किरदारों को जीने के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ही नहीं बल्कि हमेशा ही खुश रहें और सेफ रहें।